हाय, आई एम पैट्रिक। वेलकम टू पैट्रिक स्टूडियो। तुम और मैं इस माइनक्राफ्ट की भंड सी स्टोरी से ना पक चुके हैं। हाँ पक। तू मुद्दे पर आ। तो ये बात आती है एक आदमी की। एक आदमी होता है जिसे ड्रीम फेयर्स आते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और ये स्टोरी उसी। अरे बस बस भाई, आगे तेरी ऑडियंस खुद ही देख लेगी। आज ये ड्रीम फिर से मेरे को दिखा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मुझे क्यों दिखता है बार बार? मैं इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से सर्वाइव करूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें बनाई है वो अधूरी छोड़ी हैं। और इस बात को छोड़ते हैं, हम आज खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं कुछ, और कुछ वुड भी काट के लानी है। आज मुझे बहुत काम है। कुछ वुड और काट लेते हैं, फिर टाइम होने के साथ साथ हम घर चलते हैं। अब अंधेरा हो ही रहा है, तो चलना पड़ेगा अब हमें घर, वरना सिचुएशन ख़राब हो जाती है रात के टाइम। इसको क्या पता आज इसका लास्ट दिन है इस वर्ल्ड में। चलो अब हम घर पहुंचने ही वाले हैं। बस मुझे पता नहीं है, कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है कि जैसे कुछ छूटने वाला है या कुछ अलग होने वाला है मेरे से, पता नहीं। पर है कुछ, है अच्छा भी फील हो रहा है और बुरा भी हो रहा है। चलते हैं, जल्दी से सोते हैं। ओ शिफ्ट, ये क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ आ गया और मेरा घर किधर है? मेरे भाई, ये कौन सी जगह है और ये क्या हो रहा है? ये है क्या? ये सब सपाट हो गया, सेम वर्ल्ड है, सब तो सेम लग रहा है, पर ये हो क्या रहा है भाई? ये तो वही पिग है ना? अभी हमारे पास वैसे ही फूड कम है, तो हमें इसको मारना होगा। इसको मारने के बाद ये तो मरी नीरा। अबे मर जा, मरी नीरा। आई एम नूब। भाग गया। अबे मर जा ना। अबे देखो, मरी नीरा, मर गया वो। अब हमें फूड मिल चुका है, अब हम मिलते हैं, मतलब पेड़ काटते हैं। फिर पेड़ काटने के बाद हम अपना हाउस बनाते हैं प्यारा सा, देखते हैं कैसा बनता है अपना हाउस। और इतनी कैरी चीज़ होने वाली है ना भाई, तुम आगे बस जुड़े रहो, देखते रहो। और अभी हमने जैसे वुड तोड़ लिए हैं, और हमने फिर से शिकार किया। ये सुअर फिर से नहीं मर रहा, पता नहीं यहाँ के सुअरों में क्या है, ये लोग मर नहीं रहे, या तो मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। और इसको मारने में मैं नाकाम दिख रहा हूँ, मेरी बेइज्जती हो। तो आखिरकार मैंने इसको मार दिया, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। फिर से हमने वुड तोड़ी, और बहुत सारी तोड़ी, मतलब 20 तोड़ी। और फिर हमने अपने घर बनाने का सोचा, और
कुछ इक्विपमेंट्स बना लेते हैं, वरना राज में बहुत तगड़े तगड़े राक्षस या दानव मॉब्स आते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अचीवमेंट भी कंप्लीट कर दी, जिसके बाद हमने क्राफ्टिंग टेबल तोड़ी, फिर हमने दोबारा से काम पे लग गए। Why you coming at me telling me to get in line? I can see the pride coming up out your eyes. I'm not surprised. How can I do this? You sound like Judas confiding the doula. I see mountain trying to move her. You live for the moolah. That's kind of cool. I'm frying the noodles. You pray to Buddha. I bow to Yeshua. I ain't that foolish. No. I've been on the road too long. The pro tools broke. But folks who hope. They got anxiety but cope with dope. Why you think they listen to... हमारा प्यारा सा अंडरग्राउंड हाउस कंप्लीट होने के बाद हम निकल पड़े एक काम पे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो इकट्ठा करना और वुड तोड़ना। उसके बाद हम बार बार अपना घर भूल रहे थे, तो उसकी निशानी के लिए एक छोटा सा हमने टावर्स बनाया जिससे गिर के मैं मरते मरते बचा, जिसके बाद फिर से मैं अपने घर चला गया और जाके सोया नहीं क्योंकि बेड नहीं था मेरे पास उस दिन मैंने। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये बनाया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah, you wanna put that dish in your mouth?